अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं प्याज के पकौड़े। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने चार मीडियम साइज के प्याज लिए, जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है, और इसमें अंडा ऐड करते हैं। अंडा इसमें ऐड करना टोटली ऑप्शनल है। हरा धनिया, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, वो डाल देते हैं। एक हरी मिर्च, जिसको हमने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 गरम मसाला पाउडर और 1/3 स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 कप बेसन ऐड करेंगे। हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम पकौड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। हम हैंड पर जैसे कबाब बनते इसी तरीके से लेंगे। पकौड़ा बन करके तैयार हो गया है, हमने दो तैयार कर लिया ऐसे करके कबाब के शेप में। अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे दोनों साइड से चला देते हैं। पकौड़े फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारे प्याज के पकौड़े बनकर के तैयार हो गए हैं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।